हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स्थ, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 की। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज नंबर 7.3 में क्या है, देखिए। राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम्स गिवन बिलो, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। तो ये जो डायग्राम्स दिए गए हैं, ये वाला और ये तीनों, इनके आपको फ्रैक्शंस में लिखना है। राइट द फ्रैक्शंस, ओके, फ्रैक्शंस में लिखना है। और उसके बाद ये भी बताना है कि आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, क्या इन तीनों के फ्रैक्शंस इक्वल हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी फर्स्ट की बात करते हैं। ओके, तो इसमें टोटल कितने फिगर हैं, टोटल कितने पोर्शंस हैं, 1, 2, 3 पोर्शंस हैं। ओके, 3। तो इसमें आप लिख लोगे, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट है, टोटल है 3, और उसके बाद शेडेड कितना है, 1। ओके, तो 1, ठीक, ये शेडेड हो गया। अब बात करते हैं सेकंड फिगर की। इस सेकंड डायग्राम में टोटल कितने, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6। शेडेड कितने, 1 और 2, तो राइट है 2। इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आओ, 2, 1 या 2, 2, 3 या 6, मतलब 1/3। ओके, नेक्स्ट ये देखो, ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये है 9, कितने 9। शेडेड कितने, 1, 2, 3, 3 शेडेड है, तो इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आओ, 3 के टेबल से रिड्यूस करो, 3, 1 या 3, 3, 3 या 9, यानी कि ये 1/3। तो देखो, फर्स्ट वाले का 1/3, सेकंड वाले का भी 1/3, थर्ड वाले का भी 1/3, ये तो फ्रैक्शंस हो गए। तो ये क्या इक्विवेलेंट है, यस, दिख रहा है 1/3, 1/3, 1/3, तो यहाँ लिख दोगे आर ऑल दी, यस, ऑल फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ओके, चलिए सेकंड के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखिए सेकंड के फर्स्ट पार्ट की, इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट वन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 12/15। देखिए आपका ये 12/15 है, इसका ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जो सेम नंबर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन जैसे 12/15 है, तो 2 का ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, 2 का ही नीचे, न्यूमरेटर के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ भी। तो देखिए 12 2 जा 24 और 15 2 जा 30, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, सेकंड वाला सेम है, ये भी आपको ही करना है। ओके, सेम, उसमें डिनोमिनेटर 5 ले रहा है, मतलब इसको रिड्यूस कर देना, 2 का डिवाइड 3 टाइम, 2 3 6 और 2 5 10, तो डिनोमिनेटर नीचे 5 हो गया, डिनोमिनेटर 5 लाना है। डिनोमिनेटर 5 कैसे आएगा, 2 का डिवाइड करेंगे 5 10 में और 6 में करेंगे 3 टाइम, 2 3 6 2 5 10, 3/5 आ गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसके, और डिनोमिनेटर में 5 चाहिए था, डिनोमिनेटर में 5 आ गया। ओके, ये आपके हो गए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 18/42 विद डिनोमिनेटर 7, मतलब यहाँ 7 चाहिए, 18/42 में डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 7। ये तो देखो, 18/3 का जो फर्स्ट है 18/42 है, और डिनोमिनेटर हमें 7 चाहिए यहाँ, तो 7 के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 का डिवाइड लगाओ, या लोएस्ट फॉर्म में ले आओ, बढ़ाओ इसको, लोएस्ट फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, 6 का डिवाइड, 6 3 जा 18 और 6 7 जा 42, ठीक है, 3/7 आ गया। तो 3/7 ये लोएस्ट फॉर्म में है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और डिनोमिनेटर में 7 आया, क्या है डिनोमिनेटर में 7, तो यही डिनोमिनेटर में हमें 7 चाहिए था। ओके, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब सेकंड की बात करते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 13/20 विद डिनोमिनेटर 100, यानी कि 100 कैसे आएगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 25 से 100, तो यहाँ भी 5 का करना पड़ेगा, तो 13/5 से 65 और 25 से 100, यह आपका इस तरीके से हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं 3/7 के, 5/8 के, तो एक मैं बताता हूँ 3/7, ये आपको करना है।
तो 3/7 में करना क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए, सिंपली क्वेश्चन नंबर ये 4 का फर्स्ट पार्ट 3/7 दिया है तो 5 निकालना है। तो एक काम करो, इसमें अप एंड डाउन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 3 × 2 = 6, 7 × 2 = 14। अब इसी 3/7 में 3 का करो मल्टीप्लाई, ओके, 3 × 3 = 9 और 7 × 3 = 21। ऐसे ही 3/7 में अब 4 का करो मल्टीप्लाई, 3 × 4 = 12 और 7 × 4 = 28। ऐसे ही 3/7 में करो 5 का मल्टीप्लाई, 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 35। ऐसे ही 3/7 में करो 6 का, तो 6 × 3 = 18 और ये सॉरी 6 × 7 = 42। तो आगे 5 1 2 3 4 5, बहुत सिंपल था। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी के अब बचे ये 5 6 7, 3 क्वेश्चंस हैं ये, 5 6 7 ये तुम्हें होमवर्क में करने हैं तीनों क्वेश्चंस। ओके, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। ओके, चलिए करिए।